हेलो गाइस, तो गाइस जो आज की हमारी वीडियो है वो होने वाली है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने बना रखा है अंडरग्राउंड होम, और जो चैलेंज है वो ये है कि हम इस घर के अंदर बिताने वाले हैं पूरे 24 घंटे। जी हाँ दोस्तों, तो खाना पीना सब कुछ इसी के अंदर होगा, तो देखते हैं कि किस तरीके से हम मैनेज कर पाते हैं। तो ये रहा गेट और इसको करते हैं ओपन। मोटे जा, चल चल गोटे, बाय बाय, बाय गाइस, निकलेंगे कल सुबह। तू कल सुबह तक रुक जाएगा, जो निकलेगा ना वो जोलो चिप्स खाएगा, देख ले। अब नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा। देखते हैं गाइस, और लंबू जा रहा है और अब है मेरी बारी अंदर जाने की। ओ भाई साहब, जो गेट है वो हो चुका है बंद और जो अंदर का नजारा है वो है कुछ ऐसा। आपको पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, जलाने वाले हैं लाइट। एक दो तीन, ओ भाई साहब। ये आपको कैसे लग रहा है कि हमने जमीन के अंदर ये सारी की सारी चीजें अरेंज की है? काफी ज्यादा मेहनत लगी इस चीज को हमारे को अरेंज करने में, लेकिन देखिए आप एक बार लुक। मैं एक बार आपको सारी चीज अच्छी तरीके से बता देता हूँ। तो गाइस, इसको बनाए हुए हमारे को टोटल हो चुके हैं 8 दिन, और हमने एक पार्ट तो डाल दिया है और ये है इसका दूसरा पार्ट। लेकिन देखिए क्या प्रॉब्लम हुई है, जो ये है ना, ये बीच वाली है पूरी की पूरी, ये लोहे की रोड ये दोस्तों नीचे आ रही है धीरे धीरे, तो इसका भी काफी ज्यादा डर है। देख लो आप भाई, यहाँ से बेंड हो गई है, रिक्स है अब तो फुल खतरनाक वाली रिक्स है। इसके अंदर अंडरग्राउंड होम के लुक को और भी ज्यादा बेहतर बनाती है ये टेबल, और पूरी की पूरी हमने लाइटिंग कर रखी है। इसके अंदर ये घड़ी है जिसके अंदर किशोर कभी भी सेल नहीं डालता है, देख लो चल रही है, फिर भी चल रही है, चल रही है, ये चल रही है, देख, ये अभी चढ़ेगी नहीं, ऊपर देखना, देख देख देख, ये वापस यहाँ पे रुक जाए, ये रुक गई, ये देख, ये रुक गई किशोर, ये आगे पीछे वाली घड़ी है, ये पीछे कैसे चल रही है। और ये रहा हमारा पलंग जिसके ऊपर ये आलसी सो रखा है, और सबसे ज्यादा मेन चीज जो कि मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है, यहाँ पर ये रहा दोस्तों स्विमिंग पूल, यहाँ पे देख लो। तो इसके अंदर भी हम नहाने वाले हैं, और लाइटिंग आप देखिए जो अंदर की साइड में लाइट जल रही है ना, वो यार कितनी ज्यादा कमाल लग रही है, एक नंबर का लुक आ रहा है ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे थोड़ी आ रहे है ना हवा, वो थोड़ी फ्रेश है बिल्कुल, बाकी जैसे जैसे नीचे जाता है अंदर की जो हवा है वो काफी ज्यादा गर्म है, वो ज्यादा गर्म है गाइस। तो गाइस मैं आपको एक बार टाइम बता देता हूँ कि अभी टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो 11:21। क्या करे यार, यहाँ पर बेटर हो, ये कुछ बना भी नहीं रहा यार। अभी क्या भूख लगी, तुम भूख लग रही है, 11 बज गए यार, कुछ ना कुछ तो बना। नमकीन बिस्किट खा लो, नहीं कुछ मैगी बनाऊं, मैगी बना ले, हाँ मैगी बना ले, चलो रुको कनेक्शन करना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे हम कुछ बनाने वाले हैं, और अभी तो क्या है थोड़ी सी ठंड लग रही है, जो हमने पानी है ना वो हमने देखा था काफी ज्यादा ठंडा है, तो 1-2 बजे है ना हम इसके अंदर नहाने भी वाले हैं, और फिर आपको बताएंगे जो अंदर का व्यू है ना वो पूरा का पूरा। लेकिन कसम से बोल रहे हैं बोर हो रहे हैं बुरी तरीके से यार। ओए अभी तक टॉयलेट किस किस को लग रही है, मेरे को तो अभी नहीं लग रही, हल्की हल्की सा फील हो रहा है। उधर तो मत भर देना भाई, और ये मस्त चीज है यार, नहाने पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा स्विमिंग पूल में नहाते नहाते, नहाने का बहाना करके चला जाएगा, नहाने का बहाना, मैं तो नहा रहा हूँ फिर हल्का हल्का बिल्कुल, छी मैं तो नहाने ही नहीं जाऊंगा, नहीं इसको और अपन टॉयलेट करके इसको फिर फेंक देंगे, हाँ इसको फेंक देंगे, ये मस्त आइडिया, मोटे तेरी बारी, मोटे को फेंकेंगे मोटे का रेसिपी बहुत बढ़िया जाएगा, मोटे क्रीम वाला, क्रीम लगी, तुम ही जाओ। तो गाइस नहाने का मन कर रहा है यार अब स्विमिंग पूल में, लेकिन पहले कौन जाएगा, क्यों नहीं जाएगा पहले, उसमें क्या डर लग रहा है मेरे को, 7-8 दिन हो गए गाइस इसको बनाए हुए, काफी ज्यादा टाइम हो गया, और हमें ना डर है कि इसके अंदर है ना कोई ऐसा कोई सांप वगैरह या कोई मतलब कोई कीड़ा वगैरह ना हो। पहले जाके देख के आ जा, किसको भेजे, पहले किशोर को भेजते हैं, हां वो मैं नहीं जाऊंगा यार, अरे किशोर हो क्या, तेरे को मोटे को देख, अभी तो है ना चुपचाप तू चला जा नीचे, ठीक है ना, तेरे को नहाना है पहले, पता लगाना है कोई कीड़ा वगैरह ना है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, पूरा चेक करना अच्छे तरीके से, ठीक है
गाइस इसको भेजेंगे पहले होगा अभी तो मैं बताऊंगा अरे यार तेरी शादी हो गई अगर तू मर भी जाएगा ना तो भी टेंशन नहीं है देख इसको टेंशन होगी मेरे को टेंशन होगी मैं शादी हो गई तो क्या हो गया जा 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 ये 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 ठीक है यार भाई ये क्या पानी आ रहा है क्या गाइस जो स्विमिंग पूल का पानी है ना वो इस साइड भी आ रहा है देख लो आप यहां से लीकेज हो रहा है देख लो हील आ रही है यहाँ से है ना जो पानी वो पूरा पूरा इस साइड में आ रहा है देख लो उतना सारा पानी होगा ओए इतना ज्यादा कूदियो मत अंदर जाके पता पड़ा दीवार के साथ इधर ऐसा तो नहीं होगा पता चला इधर आ गया कि चोर वापस मेरे झटके तो नहीं लग जाए यहाँ पर वो तो चेक करने के लिए तेरे को भेज रहे हैं बहुत ज्यादा ठंडा है यार अब तुम भी आओ हम तो नहीं आएंगे अरे कुछ नहीं है ना तुम्हारा ओए तेरे को झटका देने वाले जो अंडरग्राउंड लाइट है उनसे हाँ तो नहीं आ रहा लाइट करंट तो नहीं आ रहा है तो गाइस अब हम जाने वाले हैं इसके अंदर किशोर तो जा चुका है और अब है हमारी बारी यार मतलब हमें ना लंबे है ना तो ये दिक्कत हो रही है खड़े हो रहे हैं ना तो देखो अब तू तो टाइम नहीं दे भाई नीचे आ रही है यहाँ से देखो यस ओ भाई जो लाइटिंग है ना उसका जो लुक है वो पूरा पूरा एक नंबर है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ देखिए आप आधे रास्ते में हूँ मैं और जो लाइटिंग का लुक है वो आप देखिए टोनी तू भी आ जा ठंडा पानी ठंडा पानी आ जा गाइस जो पानी है वो काफी ज्यादा ठंडा है यार हालत है वो पूरी की पूरी खराब हो रही है हमारी ओए ये भूल गया पहाड़ में बहुत बेकार लग रहा है भाई जो पानी है ना वो तो हमने सोचा था कि गर्म होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है ये जितना सोचा था उससे भी ज्यादा पानी ठंडा है गाइस काफी ज्यादा ठंड है यहाँ पर जो हालत है ना वो काफी ज्यादा खराब हो रही है और अब हम सोच रहे हैं इस ठंडे पानी के अंदर डुबकी लगाए किसी ने तो लगा ली है सारे साथ में यहाँ पे घोला बनाओ चलो ठीक है सारे साथ मैंने लगा ली भी नहीं एक बार फिर से मैंने लगा ली है एक बार फिर से मैं गिनती बोलूंगा ठीक है सारे साथ में हाँ चलो ठीक है एक दो तीन कोई भी नहीं गया अब इसको भाई काफी ज्यादा ठंडा पानी है गाइस ये बहुत ही ज्यादा बदतमीज है लेकिन मैं ना सबका बदला लूंगा तो गाइस अब हम क्या करने वाले हैं चारों मिलकर एक गेम खेलने वाले हैं यहाँ पर आप देख लो ये मेरे पास एक कड़ा है और सिंपली हम इस कड़े को फेंक देंगे मैं भी आंखें बंद करके फेंकने वाला हूँ आपकी तरफ देख के और फिर बाद में जिसको भी ये मिलेगा वो जीत जाएगा ठीक है ढूंढना पड़ेगा ये मेरे को मिलेगा तो गाइस जो कड़ा है ना वो तो यार घूम गया किसी को नहीं मिला मोटे का मुंह देखिए मोटे का कड़ा था नीचे घूम रहा है मिल ही नहीं रहा है और अब हम क्या करने वाले हैं एक दूसरा गेम खेलने वाले हैं कि कौन कितनी देर तक सांस रोक पाता है पानी के अंदर ठीक है स्टार्ट करूं मैं yes! सबसे पहले कौन जाएगा किशोर मैं जाऊंगा किशोर जाएगा सबसे पहले हां ये किशोर यहां पे आप किशोर मैं यहीं रह जाऊंगा ठीक है रहने दे मैं मेरी इच्छा होला रहूंगा टाइमर स्टार्ट 1 रुक जा 1 2 3 भाई साहब 9 सेकंड ये क्या हो रहा है कितना ओहो 12 सेकंड
अब जाने वाला है टोनी हेल्पर वन। ये ऐसे क्या कर रहा है? ऊपर कर रहा हूँ। क्या ऊपर कर रहा है? ले जाओ वन वन टू थ्री। किशोर की जो टाइमिंग थी वो थी 213 सेकंड। 12 सेकंड। ठीक है, मैं बाद में जाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिए, बाद में चालू करेगा। निकल क्या? 1 2 3 करने वाले थे, तूने 2 सेकंड तो ऊपर गवा दिए। 2 सेकंड। ठीक है, अगर दो जैसे किसी ने मारा, 1 2 3 करते अंदर चले जाना। ठीक है, दो पे आते, 1 2 3। ये गाइस इसकी रियल टाइमिंग चेक कर रहे हैं हम। भाई साहब 14 सेकंड। गाइस 12 13 ये 14। अब ये जाएगा, इधर मैं पकड़ूंगा। अब तू जाएगा, ये जाएगा। मैं तुमसे जीतूंगा यार, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे खड़ो, इधर आना। कैमरा इधर तो नहीं चालू। वन, ओए कैमरा साथ में रहना गाइस, ये चीटिंग करेंगे। कैमरा के सामने वन टू थ्री, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। गाइस बबूले कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं? 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 19। तो गाइस जब हम है ना स्विमिंग पूल के अंदर थे, तब शायद जो पानी उछल रहा था ना उसके कारण से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, और अब आप देख लीजिए पूरी लाइट जा चुकी है और पता भी नहीं चल रहा है। जो किशोर है वो ढूंढ रहा है कब का ही, देख लो, उसको भी पता नहीं चल रहा है। ओए कुछ पता चल रहा है क्या? पता ही नहीं चल रहा है, इधर तो जाल बिछा हुआ है वायरो वायरो, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ लाइट भी नहीं चल रही है, इन्वर्टर भी नहीं चल रहा है। गाइस हमने वायरिंग भी काफी ज्यादा की थी, तो मेरे हिसाब से ना जब हम उसके अंदर थे तो कोई पानी वगैरह उछला होगा और दो वायर के टच हो गए होगा, और उसी वजह से ना जब हमने फ्यूज लगा रखे थे वो फ्यूज भी उड़ गए, और पूरी वायरिंग समझ में नहीं आ रही है कि क्या हुआ वायरिंग के साथ में। जो ये चैलेंज है ना वो दोस्तों लगातार मुश्किल होता जा रहा है हमारे लिए। पहले तो जो ये लाइट है वो भी नहीं जल रही है, और ऊपर से यहाँ पर आप देखिए जो ये पूरा का पूरा पानी है ना गाइस, ये आया है उस साइड से। जो ये दीवार है ना यहाँ पर आप देखिए उस साइड में भरा हुआ है पानी, लेकिन जो दीवार है ना ये दोस्तों काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, और इसके बीच में से उस साइड वाला पानी इस साइड में आ रहा है, तो ये वाली हमारे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पूरा यहाँ पे देख लो कीचड़ कीचड़ हो चुका है इस जगह को, देखो आप। तो यार कैसे रुकेंगे इसके अंदर, पूरा पानी पानी मैंने आपको बताया था, देखो भाई साहब। और अब हमारे को थोड़ी देर में जो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें है ना इनको भी हमें ऊपर रखना पड़ेगा। सारी सारी लाइटें बंद हो चुकी है, केवल जो है ना कैमरे वाली लाइट वो हमारे पास है, और उसी की मदद से हम इसके अंदर रुक रहे हैं। अब देखो ये कैसा लग रहा है, पूरा पूरा अजीब सा पूरा अंधेरा हो चुका है यार, कैसे रुकेंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ। नीचे आप देख लीजिए जो पानी है ना वो कितना आ चुका है, लगातार जो पानी है ना वो बढ़ता जा रहा है, दिक्कत हो रही है बहुत ही ज्यादा, और हमारे को बहुत तेज भूख लग रही है। और मैं एक बार आपको टाइम बता देता हूँ कि अभी टाइम क्या हो रहा है। जो टाइम है वो आप देख लीजिए 5:14, यानी कि थोड़ी देर में हो जाएगी शाम, आधा घंटा बाकी है बस। और अब बना रहे हैं हम मैगी, तो यार ये वाला काम तो अच्छी तरीके से हो जाना चाहिए, वरना हमारे को काफी ज्यादा दिक्कत होगी। हाँ पूरी डाल दे मैगी, और ये 3 ही है ऐसे, इतने बड़े हैं। ओ भाई साहब, तो गाइस जो हमारी मैगी है वो आप यहाँ पे देख लीजिए पूरी की पूरी बनके तैयार हो चुकी है।
गाइस जो हालत है ना वो अब और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। और जो किशोर है ना वो वहाँ पर अंदर की साइड में है। किशोर वो वहाँ पर आप देख लो अंदर है, पूरा ही घिला हो चुका है और ये पता लगा रहा है कि जो पानी है ना वो कहाँ से आ रहा है। तो देखते हैं अगर हम उसको ठीक कर पाए तो, मतलब कि यहाँ पे गाइस छेद हो चुके हैं और उन छेद में से पानी आ रहा है इस साइड में। तो यार ये हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। तो गाइस किशोर पूरा गीला होके आ चुका है। अरे हुआ ठीक, कोई नहीं हो रहा भाई, कोई सेंस ही नहीं निकल रहा इसका, तो कहाँ से आ रहा है? फेविक क्यों लगाते है? फेविक बोल फैला इसका तो। भाई नीचे देखो पूरा पूरा कीचड़ हो चुका है। अरे इसमें से हाथ धो रहा है तो कीचड़ में से क्या करे, अब यही बचा है। सुबह तक जो ये पूरा रूम है ना वो मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा पानी से भर जाएगा। ये रात है ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल निकलने वाली है, जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा बेकार। जो ये चैलेंज है वो बिल्कुल सही चल रहा था लेकिन फिर हमारी लाइट खराब हुई और अब आप देख लो भाई साहब जो स्विमिंग पूल का पानी है ना वो आ रहा है इस साइड में, यानी कि जो हमारी सबसे ज्यादा फेवरेट चीज थी वो ही हमारी दुश्मन बन चुकी है। हालत पूरी खराब है। सो रहा है उस साइड में रविंदर और ये नंदकिशोर सो रहा है। तो गाइस पूरे दिन से मैंने टॉयलेट कंट्रोल कर रखी थी, वैसे जो रविंदर है ना उसने तो दिन में कर ली थी बोतल के अंदर, और हम मुझे लग रही है बहुत ही ज़्यादा तेज। और एक बार मैं आपको हालत बता देता हूँ कि हालत क्या हो रही है। अभी रात की गाइस बज चुकी है 2 और यहाँ पर आप देख सकते हो जो किशोर है ना वो किस तरीके से सो रहा है। यार इसके जो पाँव है वो पानी के अंदर है तो मुझे ना नीचे ईंट रखनी पड़ेगी इसके, इसको टेबल पर नींद आ चुकी है तो यहाँ से मैं ईंटें उठाऊंगा और इसके पैरों के नीचे रखने वाला हूँ। इसको तो मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया है, यहाँ पे ईंटों पे रख देते इसको पाँव को। और गाइस लाइट की काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। अच्छी बात यह है कि हमारे पास अभी भी 2 बैटरी पैक है, यानी कि हमारे पास टोटल 4 थे, सारे मिलाकर 6 है लेकिन 4 पूरे खत्म हो चुके हैं बैटरी पैक। अब केवल हमारे पास 2 बैटरी है तो उसको हम यूज में लेंगे, जिसके अंदर ये एक तो यहाँ पे आप देख लो ये बिल्कुल अभी चार्ज है और एक लगी हुई है पीछे जो लाइट है ना उसके पीछे लगी हुई है। इसको मैंने अभी अभी चेंज किया था तो ये आराम से सुबह चल जानी चाहिए। और अभी मैं इसको बंद कर दूंगा यूज करके और अब मुझे टॉयलेट लग रही है। गुड मॉर्निंग गाइज, और आज है हमारा दूसरा दिन यहाँ पर और जो चैलेंज है वो खत्म होने वाला है। लेकिन हालत आप देखिए भाई साहब, पूरी रात हमारे को नींद नहीं आई थी, इतनी बुरी तरीके से हम परेशान थे, पानी इतना सारा आ चुका है अंदर की साइड में। ओ ये देखो गाइस, मैं भी खा लेता हूँ बिस्किट। मैं तो भी खिलाऊं यार, भूख लग रही है। तो गाइस यहाँ पर आप है ना एक बार नजर मारिए किस तरीके से जो पानी है ना वो इस साइड आ रहा है, मतलब कि काफी ज्यादा स्पीड है। कल तो है ना बहुत धीरे धीरे आ रहा था लेकिन आज बहुत ज्यादा स्पीड में इस साइड आ रहा है। और आप देख लीजिए ये दीवार है वो पूरी पूरी गीली हो चुकी है। उधर का पानी दिखाना कितना है? उधर तो पानी खत्म हो गया होगा अब तो, थोड़ा सा बचा होगा, इस साइड आ रहा है पानी पूरा का पूरा। आधे ऊपर चल गया, आधे ऊपर चल रहे हैं, देखना गाइस पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इस तरीके का जो पूरा पानी है वो कितना ज्यादा है यार, ऊपर की साइड में बहुत ज्यादा पानी आ चुका है, नीचे पूरा पानी, उस साइड में पानी, ऊपर पानी। जो हमने सबसे ज्यादा लग्जरी चीज बनाई थी वो हमारे को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है अब। और जो ये चैलेंज है वो हमारे लिए काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है। मैं हूँ बेयर ग्रिल्स और अभी हम वाष्पीकरण से पानी बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख लो बहुत सारा पानी है तो हम इसको इकट्ठा करेंगे। तो इकट्ठा करने के लिए हम क्या ट्राई करेंगे, हम लेंगे कपड़ा ये ले, तो इसके अंदर हम पानी को इकट्ठा करने वाले हैं और फिर टेस्टिंग करने वाले हैं कि ये जो पानी है वो कैसा है। ओ गाइस बिल्कुल जो ये काम है ना अच्छे तरीके से हो रहा है, चैलेंज के अंदर अपन ने कर दिया, ये चीज स्टार्ट कर सकते हैं यार। गाइस ये मैंने आज देखा है, मतलब पहले मैंने वीडियो बनाई थी बहुत ही पहले, आपको साइड के अंदर मैं उसका बता दूंगा खारे पानी को मीठा पानी कैसे बनाए, मतलब जो होता है ना वाष्पीकरण उससे। लेकिन यहाँ पे जो ये वाष्पीकरण है ना वो ऑटोमेटिकली हो रहा है,
ऊपर है धूप, इसकी वजह से जो ये चीज है वो गर्म है और जो ये नीचे वाला है वो भी थोड़ा गर्म होकर ऊपर आ रहा है। ये पानी देख लो आप। बाकी अगर आपको मेरी वो पुरानी वाली वीडियो देखनी है, बहुत ही ज्यादा पुरानी वाली वीडियो, तो मैं आपको साइड के अंदर लगा दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगी, आई बटन होता है ना उसके ऊपर, आप क्लिक कर लेना उस वीडियो को देख लो, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है जिस टाइम मैं यूट्यूब पे नया था। और अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। वैसे ये पानी फ्रेश है बिल्कुल। जी हाँ गाइस, मतलब कि वाष्पीकरण से होके ऊपर गया है, बिल्कुल मीठा पानी। ये क्या कर रहा है? नहा लो गाइस, सुबह सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग। मैं सुबह 5 बजे उठकर नहाता हूँ, इसलिए क्या करूँ, मैं टॉयलेट में नहा रहा है। तू ओए पागल, ओए सर मजाक मत कर, तेरा टॉयलेट तेरा ही टॉयलेट है। मैंने बोतल में किया था, इसके अंदर नहीं किया था। पागल है क्या? बिल्कुल ही आगे किशोर का गाइस जोरदार तरीके से प्रेशर बन रहा है, टॉयलेट कर ले, याद मत दिला, बोतल में कर ले। मैंने भी बोतल में की थी, वो पड़ी है साइड में बोतल। मैं बाहर जाकर करूंगा, वैसे ही बाहर जाकर करेगा सारे करूंगा। ये एक साथ मशीन चलेगी, प्रेशर बम ब्लास्ट। तो यहाँ पे कुछ भी मत करना, ठीक है? गैस वगैरह तो बिल्कुल भी मत निकालना। चैलेंज खत्म होने में अभी भी 25 मिनट बाकी है, तो 25 मिनट तक इसकी तो किशोरी हालत खराब होने वाली है, इसकी भी होने वाली है, दोनों का प्रेशर बन रहा है। तेरा नहीं बन रहा है क्या? मैंने तो टॉयलेट कर ली थी रात को। क्या लग रही है? टट्टी टट्टी तेरे को मोटे मोटे की शक्ल देखने लायक है, गलगोटे मोटे नंदकिशोर। 2 मिनट बाद बाहर। जल्दी निकल, जल्दी मैं जाऊंगा। सबसे तो पहले है पकड़ंडी, किस्मत है फूटी। सबसे पहले मैं ही जाऊंगा बाहर। सबसे पहले तू जाएगा? मैं जाऊंगा। ठीक है, देख घड़ी में टाइम चल रहा है, 2 मिनट और बाकी है। हाँ तो तू हमारे को भी बता देना, मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं तो आराम से 2-3 घंटे और रुक जाऊंगा। अब मेरे को तो, मैं तो यहीं पे बैठ जाऊं इस पानी में। किस पानी में? इसी पानी में, इसी पानी में। तो फिर पागल छी, कितना गंदा है गाइस। ये देखो यार, टीम के अंदर इतने सूखले पुरानी पुरानी मौजूद है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 बार तो पहले मैं ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए पहले मैं ही जाऊंगा। बार तो पहले मैं ही जाऊंगा। 3, 2, 1 अरे मैं नहीं आ रहा हूँ बाहर। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे ये कहाँ से पकड़ लिया, किसने पकड़ा ये? अरे ओए मैं जाऊंगा। अरे यार जाने मेरे को, मैं जाऊंगा इसको। रख ले रख ले रख ले इसको। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।